नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ प्रोफेशनल फील मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल किट का रिव्यू। और तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अभी तो वैसे आप सभी जानते हैं कि पार्लर वगैरह बंद है, लेकिन मैं हमेशा ही घर पर ही पेडिक्योर और मैनिक्योर करना पसंद करती हूँ। हम फेशियल तो कर लेते हैं, यानी कि फेस की केयर तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने हाथों और पैरों की देखभाल करना अक्सर भूल जाते हैं या फिर छूट जाता है। इतनी ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल जो है वो आज के टाइम में बिजी हो गई है। तो मैं हमेशा ही घर पर पेडिक्योर और मैनिक्योर करना पसंद करती हूँ। और इस किट की बात करूं तो ये किट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसका रिजल्ट मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पैकेजिंग की मैं अगर बात करूं तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग, ग्रीन कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये। और साथ में भी मैं आपको पिक दिखा दूंगी कि ओपन करने के बाद ये किस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिए, इसमें टोटल आपको 5 स्टेप्स मिल जाते हैं। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है कि कैसे आपने इसे यूज करना है और कितने टाइम तक आपने इसे मसाज करनी है। सभी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। और ये देखिए, एमआरपी प्राइस की मैं अगर इसमें बात करूं तो ये है 399 रुपीज का, लेकिन ये मुझे ऑफर में बहुत अच्छे प्राइस पर मिल गया था, यानी कि डिस्काउंट बहुत अच्छा चल रहा था उस वक्त। और इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। जब ये लॉकडाउन वाला टाइम खत्म हो जाएगा तो आप इसे बाद में भी परचेज कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है, और खासतौर से जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो डीआईवाई चीजों को ट्राई करें। तो ऐसे में हमें ऐसा कुछ क्विक एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है या ऐसा कुछ सामान चाहिए होता है जिसे हम लगाएं और इंस्टेंटली वो रिजल्ट भी दे दें। तो ऐसे में ये पेडिक्योर और मैनिक्योर फेशियल किट बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है आपको, और आप इसे यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। क्वांटिटी की मैं अगर बात करूं तो ये आपको टोटल 250 ग्राम का प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है। और पैकेजिंग काफी अच्छी है, कंटेनर काफी अच्छे हैं, प्लास्टिक कंटेनर में ये आती है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में। तो ये देखिए, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं इनके। तो खुशबू की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो खुशबू भी काफी अच्छी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मैं इसे सिर्फ ऐसे ही रिव्यू शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 से 2 बार इसे यूज भी किया है। तो ये देखिए क्वांटिटी आप देख सकते हो, अभी मैं इसे 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे हैं, तभी मैंने आज आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। तो स्टेप नंबर 1 यहां पर है, आप देख सकते हो ये है क्लिंजर, देखिए। तो चलिए मैं इसे अपने सबसे पहले मैं पैरों पर लगाऊंगी, उसके बाद मैं हाथों पर लगाऊंगी। जब भी आप पेडिक्योर और मैनिक्योर करते हैं तो अपने नाखूनों से नेल पेंट को अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा। हर एक स्टेप से आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद अपने पैरों को आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। फिंगर के बीच में भी जरूर अच्छे से मसाज कीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा मैल जमा होता है। तो ये देखिए, मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने दूसरे पैर पर भी मसाज करनी है, दोनों पैरों पर अच्छे से मसाज करनी है। और यहां पर मैं आपको वीडियो थोड़ी सी स्पीड पर दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड स्टेप हमारा यहां पर है स्क्रब, ये देखिए। अब मैं स्क्रब करूंगी अपने पैरों पर। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये देखिए, मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं पैरों को साफ कर लेती हूँ नैपकिन की हेल्प से। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है ये है मसाज क्रीम, ये देखिए। मैं मसाज कर लेती हूँ अब अपने पैरों की इस क्रीम की हेल्प से 5 मिनट तक। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप मसाज 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। जितना ज्यादा आप मसाज करेंगे उतना ज्यादा आपके पैरों पे ग्लो आता जाएगा, आपकी स्किन साफ होती जाएगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ही हर 10 से 15 दिनों में पेडिक्योर और मैनिक्योर घर पर करती हूं। जैसे कि मैं फेस पर जैसे फेशियल करती हूं,
ऐसे ही मैं हाथों और पैरों की भी सफाई करती हूँ, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर बार पार्लर में जाके ये सब कुछ करवाऊँ। और पार्लर में आपको मालूम ही होगा कि कितना खर्चा आता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है अगर आप पेडिक्योर मैनीक्योर करवाते हो, और मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है इसलिए मैं घर पर ही करती हूँ। और वर्किंग वुमेन होती है तो उनके पास तो वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये सब चीज़ें हर 10 से 15 दिनों में पार्लर में जाएं, और इतने पैसे भी वेस्ट होते हैं आपके। तो आप इस किट को अगर एक बार परचेज कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी ये किट आराम से 3 से 4 महीने तक चल जाएगी। आप महीने में 2 बार भी अगर पेडिक्योर मैनीक्योर करते हैं तो आराम से ये 3 से 4 महीने आपकी चल जाएगी। क्वांटिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। दैट्स इट। ये देखिए 5 मिनट मैंने पैरों पर भी मसाज कर ली है क्रीम से। फोर्थ स्टेप यहाँ पर है हमारा, आप देख सकते हो फेशियल जेल। इसका कलर बहुत ही अच्छा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। ये आप देख सकते हो कितनी शाइन है इस जेल में, ये देखिए। मुझे ये जेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, इसके रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। और यही सभी सेम स्टेप्स आपने हाथों के लिए भी फॉलो करनी है। तो ये देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने पैरों को साफ कर लेती हूँ। तो लास्ट में मैं यहां पर लगाने जा रही हूँ 5th जो स्टेप है, ये है पैक। ये आप देख सकते हो ये फेस पैक है, और वैसे आप सोचेंगे इसमें फेस पैक लिखा हुआ है, बट आप इसे पैरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफकोर्स जो चीज फेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो हाथों और पैरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जब आपके फेस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं किया है इन चीजों ने तो वो हाथों और पैरों पर भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो चलिए ये आप देख सकते हो मैंने काफी इसे यूज भी करा है तो मुझे काफी अच्छा लगा है ये पैक। अब मैं इसे पैरों पर लगा लेती हूँ। ये आप देख सकते हो गाइस कितने क्लीन लग रहे हैं पैर अभी से, और फेस पैक जब मैं ये रिमूव करूंगी ना उसके बाद भी आप देखिएगा। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा ना गीला कर लीजिएगा अपने हाथों और पैरों को, क्योंकि ये जो पैक है ना ये थोड़ा ड्राई है, क्योंकि जैसे क्ले पैक होता है ना उस टाइप से है ये। तो ये पैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, खुशबू बहुत ही अच्छी है इन सभी प्रोडक्ट्स की। तो आप अच्छे से इसे लगा लीजिएगा। आप इसे चाहें तो हथेलियों पर भी लगा सकते हो और एड़ियों पर भी लगा सकते हो। एड़ियों पर भी अच्छे से लगा लीजिएगा क्योंकि एड़ियां भी हमारी काफी गंदी हो जाती हैं, दिन भर हम इतना भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं घर का, तो ऐसे में ये भी गंदी हो जाती है। तो मैं इसे अच्छे से अपने पूरे पैर पर लगा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। अगर आप पानी लगाकर इसे थोड़ा सा पैक को लगाते हैं ना, मतलब ये ड्राई भी नहीं होगा और इजिली सारे में अच्छे से लग जाएगा ये, और जल्दी रिमूव भी हो जाएगा। इन पैक्स को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, अब मैं इसी तरीके से दूसरे पैर पर भी लगा लेती हूँ, और इसके बाद मैं अब हाथों पर मसाज करूंगी। तो इतने में ये मेरा पैक भी सूख जाएगा। तो ये देखिए मैंने पैक लगा लिया है अच्छे से बातें करते करते, और अब मैं अपने हाथों पर आपको मसाज कर दिखाती हूँ। इतने में ये मेरा पैक सूख जाएगा। आप चाहे तो इस काम को नहाने से पहले भी कर सकते हो, पूरी बॉडी पर भी मसाज कर सकते हो आप इससे, और आप चाहे तो अपनी एल्बोज तक साफ कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट मैं अभी ये सेकंड स्टेप कर रही हूँ, ये है स्क्रब। नेक्स्ट जो स्टेप है ये है, आप देख सकते हो ये क्या है ये मसाज क्रीम है, मैं खुद ही भूल गई थी। तो बस आपने इस तरीके से मसाज कर लेनी है अच्छे से, जितना ज्यादा आप मसाज करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन साफ होगी, ग्लो आता जाएगा आपकी हाथों की स्किन पर भी और पैरों की स्किन पर भी।
इस तरह से फिंगर के बीच पे भी जरूर करिएगा, इससे क्योंकि काफी लोगों को ना पसीने की स्मेल भी होती है गर्मियों में इस तरह के से फिंगर्स के बीच में, तो इससे ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जितनी भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। फोर्थ जो स्टेप है ये है फेशियल जेल। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर है जेल मसाज, तो मैं जेल मसाज भी कर लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं लगा लूंगी लास्ट जो स्टेप है ये है पैक, तो इसके बाद मैं अपने हाथों पर पैक लगा लेती हूँ। और ये पैक काफी अच्छा है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो मेरे पैरों पर जो मैंने पैक लगाया था वो भी सूख चुका है। तो बस मैं अभी आपको ये सूखने के बाद और धोने के बाद इसे फिर आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखिए मैंने लगा लिया है और अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दूंगी, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो इसे वॉश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए मैंने अपने हाथों और पैरों को वॉश कर लिया है, जो फेस पैक मैंने लगाया था वो अच्छे से ड्राई हो गया था तो मैंने वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, तो जब भी आप अपना पेडिक्योर या मैनिक्योर करते हैं तो आप उसके बाद कोई भी कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन जरूर अप्लाई करिए। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चार्मिस कोल्ड क्रीम, ताकि जो भी थोड़ी बहुत ड्राइनेस अगर मेरी स्किन में आ गई है तो वो ना रहे। तो अच्छे से इसे अपने हाथों और पैरों पर लगा लीजिए, ये देखिए। इसके बाद मैं यहां पर लगा रही हूं वादी नेल क्यूटिकल ऑयल, और इस तरीके से इसमें एक मसाजर भी दिया गया है, ये देखिए। कुछ इस तरीके से आप मसाज कर लीजिए, अपने नेल्स पर अच्छे से लगा लीजिए, इससे आपको क्यूटिकल्स निकालने में भी हेल्प मिलेगी और आपकी स्किन खराब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, इससे आपके नेल्स मजबूत बनते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस ऑयल का रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा, स्किन केयर के नाम से आपको वीडियो में मिल जाएगी ये। तो ये देखिए, और इसी तरीके से अपने हाथों के नेल्स पर भी लगा लीजिए, ये देखिए। इसके बाद आप एक नेल फाइलर की हेल्प से अपने नेल्स की शेप दे दीजिए अच्छे से, जो भी आपको शेप पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली आप शेप दे दीजिए। मुझे मीडियम शेप ज्यादा पसंद है, मतलब मीडियम लेंथ मुझे रखनी है, बहुत ज्यादा मैं शेप नहीं बनाऊंगी, जस्ट हल्का समय से शेप दूंगी नेल्स को, ताकि नेल्स के अंदर भी जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाए। ये देखिए, तो यहां पर मैं अपने पैरों के नेल्स की शेप बना चुकी हूं। और इसके बाद आप अपना फेवरेट कोई भी नेल पेंट लगा लीजिए, मैं यहां पर ये रेड कलर लगा रही हूं। सो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने अपने नेल्स पर नेल पेंट लगा लिया है और रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए। और ये हाथों का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे हाथ और पैर कितनी अच्छी चमक आई है स्किन में, कितने साफ लग रहे हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। मुझे आज मेरे पैर और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इस मैनिक्योर और पेडिक्योर किट को जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके आपके सामने, आप देख सकते हो। ये देखिए, मैं आपको अपनी एरिया भी दिखा देती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का पेडिक्योर और मैनिक्योर फेशियल किट का रिव्यू अच्छा लगा हो। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरा ये पेडिक्योर और मैनिक्योर फेशियल किट अच्छा लगा हो, इसका रिव्यू अच्छा लगा हो और इसका रिजल्ट भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।